और इस वक्त सीमा हैदर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, पूछताछ की रिपोर्ट यूपी एटीएस ने तैयार कर ली है, ये सूत्र बता रहे हैं। एजेंसियों को देखिए, पूछताछ की जो रिपोर्ट है वो फिलहाल दी जा रही है। 72 घंटों से सीमा और सचिन गायब हैं, अपने घर पर नहीं है। ये बातें सामने आ रही थी कि उनको कहीं अलग रखा गया है, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। अब ये बताया गया है कि एटीएस जो है वो अपनी रिपोर्ट दे रही है। बड़ी बात यह है कि सीमा और सचिन पिछले 72 घंटों से गायब हैं, कहां हैं इसका जवाब किसी के पास नहीं है। घर के बाहर एक पोस्टर लगा दिया गया कि प्राइवेसी को आप बनाए रखिए, मीडिया कर्मी अंदर ना आइए। लेकिन ये तब है जब सीमा हैदर और उसका परिवार अब तक मीडिया से काफी ज्यादा फ्रेंडली हो रहा था, लेकिन अब जब एटीएस के सवाल हुए और मीडिया ने अपने सवालों को कड़ा करके पूछना शुरू कर दिया, तो अब सवालों से सचिन और उसका परिवार भागता हुआ दिखा है। फिलहाल एटीएस ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है, एंटी टेररिज्म स्क्वाड की ओर से जो पूछताछ की गई थी उसके बाद रिपोर्ट तैयार हो गई और जांच एजेंसीज को ये रिपोर्ट सौंपी जा रही। फिलहाल ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मीडिया की एंट्री की बैन को लेकर ये तस्वीर है जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और हमारे साथ इस वक्त प्रेरित जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रेरित, एटीएस की ओर से रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, एजेंसियों को दी जा रही है, बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिनके जवाब मिलने बाकी थे। आप बिल्कुल देखिए कि जब से सीमा की पूछताछ एटीएस ने शुरू की, तब से जो अंदर से जो जानकारी मिली थी यही मिल रही थी, कई बातें जो है सो सीमा जो है गोलमोल घुमा करके जवाब दे रही थी, जिससे एटीएस भी संतुष्ट नहीं थे। और अब जब ये जानकारी आ रही है कि एटीएस ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है, तो बहुत चीजें क्लियर हो जाएगी कि सीमा ने कहां पर क्या कुछ चीजें सही बताई और क्या कुछ घुमाने की कोशिश की है। क्योंकि देखिए कई तरह के संदेह जो है सो इसकी स्थिति पैदा होती है। कल तक देखिए घर का दरवाजा खुला रहता था, जहां पर मीडिया कर्मी आते थे, घर में जाते थे, सीमा का इंटरव्यू करते थे, सीमा अपनी सारी प्रेम कहानियां सुनाती थी कि किस तरह से वो पाकिस्तान में सचिन से जुड़ी थी, किस तरह से वो प्रेम करती थी। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे ही सीमा की एटीएस से पूछताछ हुई, उसके बाद से सबसे पहले उनके परिवार वालों ने घर का दरवाजा बंद किया और दरवाजा कई दिनों से बंद रहा। और उसके बाद फिर देखिए कि दरवाजे पर ये एक पोस्टर भी चिपका दिया गया, जहां पर साफ लिख दिया गया कि मीडिया रिस्पेक्ट माई प्राइवेसी, यानी प्राइवेसी का हवाला देकर के मीडिया से दूरी बनाने की पूरी कोशिश की गई। और शायद यही वजह है कि 72 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, सीमा और सचिन दोनों अपने घर नहीं आए हैं, वो अपने परिवार के संपर्क में है। लेकिन परिवार से जब हमने बातचीत करने की कोशिश की, परिवार के तमाम सदस्यों से बात करने की कोशिश कर रहे, किसी भी तरफ से कोई जानकारी नहीं मिल रही, यानी कि ये बात स्पष्ट हो रही है जिस तरह की चीजें हम यहाँ देख रहे हैं कि सीमा का परिवार भी नहीं चाहता है, सचिन का परिवार नहीं चाहता है कि वो मीडिया के संपर्क में रखकर के चीजों को बताए। अब इसमें कई तरह के संदेह की स्थिति पैदा होती है कि आखिर वही परिवार जो कल तक मीडिया कर्मियों को अपने घर में बुला करके इंटरव्यू देते थे, सीमा घंटों घंटों बैठ करके अपनी पूरी प्रेम कहानियां सुनाती थी, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि सीमा जो है वो मीडिया से बचती हुई नजर आ रही है, अचानक से क्या हुआ कि सचिन अपने घर से गायब हो गए। क्योंकि 72 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, घर के अंदर जो है सिर्फ सीमा के वो 4 बच्चे हैं मौजूद हैं, जिसको सीमा अपने साथ पाकिस्तान से लेकर के आई थी, उसके अलावा सचिन के पिता है वो घर के अंदर मौजूद है, उसके अलावा घर के अंदर कोई भी सदस्य नहीं है। और 72 घंटे से घर पे सचिन और सीमा आए नहीं है, तो ऐसा संभव है नहीं कि जो वो अपने परिवार को, उनके परिवार को जानकारी नहीं होगी कि आखिर कहां है। लेकिन साफ तौर पर वो मीडिया को कोई किसी भी तरह की जानकारी देने से बचते नजर आ रहे हैं। अब इसके पीछे कई वजह हो सकती है, या तो इनके ऊपर कोई दबाव हो, या फिर सीमा ने इन्हें बताया हो शायद कि मीडिया से। क्योंकि देखिए जिस तरीके से एटीएस की पूछताछ हुई, उसके बाद से जो है सीमा कहीं ना कहीं जो है मीडिया से बचती हुई नजर आ रही थी। बस मीडिया से एक दिन का उन्होंने रूबरू किया था, जहां हमने भी सीमा से बातचीत की थी। लेकिन अब जो है सीमा 72 घंटे से अपने घर से लापता है, सचिन के साथ कहीं ना कहीं सारे संदेह को पैदा करती है। सीमा से बहुत सारे सवाल किए जा रहे थे, तो सीमा की थ्योरीज भी अलग अलग सामने आ रही थी। कुछ जगहों पर रटे रटाए जवाब थे, तो कुछ जगह पर थ्योरीज अलग थी। और फिर पाकिस्तान वाला एंगल बहुत सारे शंकाएं पैदा कर देता है, और उसको लेकर अब जांच एजेंसी कार्रवाइयां कर रही हैं। लेकिन अनुज जो हमारे साथ जुड़ गए, अनुज अब एक बड़ा पहलू ये कि एटीएस ने जो पूछताछ में अपनी रिपोर्ट तैयार की है, वो अब जांच एजेंसी को सौंपी जानी है, तो आने वाले वक्त में कार्रवाई को लेकर प्रोसीजर क्या हो सकता है जांच टीम का? जी निश्चित तौर पर, चूंकि जांच एजेंसी का साफ तौर पर यह कहना है, खासतौर पर यूपी एटीएस का यह कहना है कि जो पूछताछ सीमा हैदर से करनी थी, वो तमाम पूछताछ सीमा हैदर से हुई है, और इस बाबत एक रिपोर्ट जो है वो तैयार की गई है। ये रिपोर्ट जो है अब जांच एजेंसियों को सौंपी जाएगी। हालांकि इस पूरी रिपोर्ट में अभी जो टेक्निकल एविडेंसेज हैं, चाहे हम बात करें फोन की, क्योंकि जो 4 फोन उसके पास से मिले थे, उसमें से एक फोन का डेटा जो है वो डिलीट किया गया था, उस डेटा को रिट्रीव किया जा रहा है, उसके डेटा को बरामद करने की कवायद की जा रही है, कुछ डेटा उससे यूपी एटीएस को मिले भी है, जिसको वेरीफाई किया जा रहा है।
तो ये तमाम चीजें जो है अभी वो रिपोर्ट का हिस्सा बनेंगी, लेकिन पूछताछ में सीमा ने क्या कुछ बताया है वो जांच एजेंसी को सौंपना इसलिए जरूरी है कि उस बाबत जांच एजेंसियां जो है सीमा हैदर जो कहानी बता रही है वो कितनी सच है उसका पता जांच एजेंसियां जो है वो लगाएंगी। इसी वजह से सीमा की पूछताछ की जो पूरी डिटेलिंग थी वो जांच एजेंसियों को सौंपा गया है, जिसमें से खासतौर पे सीमा ने कई सवालों का जवाब नहीं दिया था, जिसमें से कराची कनेक्शन का पता लगाने की कवायद की जा रही है कि आखिरकार वो कराची में कितने समय तक रही थी। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी सवाल थे जो कहीं ना कहीं खटक रहे थे, यूपी एटीएस को भी खटक रहे थे, और उन सवालों की जो फहरिस्त है वो भी जांच एजेंसियों को सौंपी गई है कि इसमें सीमा ने नहीं मालूम करके जवाब दिया है, जिसमें से उससे जब ये पूछा गया था कि आखिरकार उसने अपना मकान किसको बेचा उसके बारे में उसको पता नहीं था। साथ ही साथ कई ऐसे सवाल थे जिनका जवाब सीमा ने दिया ही नहीं, और कराची में इतने दिनों जब अकेली रही तो इस बात को लेकर बहुत सारे सवाल हैं कि किसी तरह से किसी एजेंसी के आईएसआई के संपर्क में तो नहीं आ रही, उसी के बाद ये सब कुछ रचा तो नहीं गया है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आने वाले वक्त में साफ हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए।